नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ पिंकी। आई नजर आते हैं आज की खबर पे। अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने किया कार्य ठप। रिक्त पदों पर संविदा कर्मियों की नियमित भर्ती, पुरानी पेंशन बहाली, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापसी, वेतन विसंगति का निराकरण, सरकारी अंक के बिजली घरों का नवीनीकरण, निजी घरानों से महंगी बिजली की खरीद बंद करने आदि मांगों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश की सरकार को दी गई नोटिस की यदि उपरोक्त मांगों का निराकरण समय रहते नहीं किया गया तो विद्युत मजदूर पंचायत 8 एवं 9 को कार्य बहिष्कार करने का के तत्र में आज 8 को एक विशाल सभा भेलूपुर स्थित पुराने पावर हाउस में आर के वाही के अध्यक्ष में हुई, जिसमें पूरे बनारस के हजारों कर्मचारियों ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर आर बी सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जनता एवं कर्मचारी दोनों के लिए घातक है। यदि यह लागू हुआ तो उपभोक्ता को 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और उपभोक्ता अपनी बिजली कटवाने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज जहां हम बिजली की उपलब्धता के कारण खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, यह आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी और पुनः हमें अनाज विदेशों से मंगाकर खाना पड़ेगा। वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 35 से 40 वर्ष सेवा करने के बाद भी पेंशन न दिया जाना तानाशाही निर्णय है। वहीं अन्य नेताओं ने भी केंद्रीय भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति की भर्त्सना की। सभा को चंद्रशेखर सिंह, आरबी सिंह, ओपी सिंह, विजय सिंह, जियालाल, राघवेंद्र गोस्वामी, तपन चटर्जी, विकास कुशवाहा, अमितानंद त्रिपाठी, अतनु भट्टाचार्य, श्यामल भट्टाचार्य, मोहम्मद मेहंदी, जयप्रकाश, संतोष कुमार भारती, नरेंद्र शुक्ला, पारस यादव आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता आर के वाही ने की एवं संचालन अंकुर पांडे ने किया। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। डॉक्टर राम बहादुर सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत का प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री, जो संयुक्त संघर्ष समिति का एक घटक संगठन है। आज किस तरीके का आंदोलन धरना दिया? आज किस तरीके का आंदोलन धरना दिया? ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो 2 दिन की हो रही है, देश के 10 बड़े महासंघों द्वारा उनको समर्थन देने के लिए, उनको नैतिक बल देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के 14 श्रम संगठनों द्वारा ये 2 दिन का कार्य बहिष्कार आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से संबंधित 6। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।